जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। आप सभी जानते हैं बैसाख महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में भगवान महादेव और नारायण की पूजा का अधिक महत्व माना जाता है। इस महीने में एक मंत्र जप होता है, वो मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। इस महीने में एक ग्रंथ पढ़ा जाता है, उसका नाम है पद्म पुराण। बहुत ज़्यादा विशेष है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बैसाख की महिमा बताई गई है। इस महीने में जल पियाऊ की बड़ी भारी महिमा है और पीपल पेड़ की परिक्रमा करने की बहुत बड़ी महिमा है। इस महीने में ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है, जो नारायण कवच का है। इस महीने में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो सबसे पहले नारायण को प्रणाम कीजिए, अर्जुन को प्रणाम कीजिए, माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिए, माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए और भगवान व्यास जी को प्रणाम कीजिए। वही बैसाख की महिमा नारद जी अमरीश राजा को सुना रहे हैं, जिसमें राजा अमरीश नारद जी से पूछते हैं कि हे गुरुवर, हमें ये बताइए कि बैसाख माह में किन किन चीजों का दान करना चाहिए, उन दान का क्या फल है। तो नारद जी राजा अमरीश को बैसाख की महिमा सुनाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चैत्र मास को मधु मास कहा जाता है, क्योंकि चैत्र मास में पहली नवरात्रि के दिन इस पृथ्वी पर राजा मनु और रानी सतरूपा का जन्म हुआ था, जिनसे इस पृथ्वी पर अनेकों संतान हुई, उसी प्रकार बैसाख मास को माधव मास कहा जाता है। इस बैसाख मास यानी माधव मास में जो भी व्यक्ति ग्रंथ पढ़ेगा, किताबें पढ़ेगा, तो माधव कहते हैं, उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी, वह मूर्ख नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ा विवेकी हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, अमरीश, कार्तिक महीने को जहाँ माना गया है, वहीं बैसाख महीने को विशेष महीना माना गया है। नारद जी कहते हैं, इस महीने में जो भी व्यक्ति दान यज्ञ व्रत करता है, स्नान करता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि बैसाख के महीने में जो भी व्यक्ति एक बार नर्मदा नदी में स्नान कर लेता है, उसे महादेव की एक वर्ष की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। वही बैसाख मास में एक बार गंगा स्नान कर लेता है तो नारायण की एक वर्ष की पूजा का फल तत्काल उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो बैसाख के महीने में गुरु दीक्षा लेता है, उसकी दीक्षा सिद्ध हो जाती है। राजा जो मानो बैसाख महीने में स्नान के लिए एक पग भी आगे बढ़ाता है, तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करने के लिए न जा पावे, तो यदि वह मन ही मन गंगा स्नान कर लेता है, तो उसको भी सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। राजा जो मानो बैसाख महीने में स्नान के लिए एक पग भी आगे बढ़ाता है, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करने के लिए न जा पावे, तो यदि वह मन ही मन गंगा स्नान कर लेता है, तो उसको भी फल प्राप्त हो जाता है। उसको सैकड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस महीने में भोर में स्नान कर लेता है, उसकी चरण धरती माँ के लिए फूल जैसे हो जाते हैं, माँ उसे सब कुछ दे देती हैं। जो बैसाख माह में सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर लेते हैं, उनकी मृत्यु ऐसी जगह पर नहीं होती जिन्हें उनके परिवार के अलावा ऐसी ही कोई लावारिस समझ के छोड़ दिया जाए, बल्कि उनकी मृत्यु ऐसी जगह होती है जहाँ पर उनके परिवार के लोग उनका अग्निदाह संस्कार करते हैं। हे राजा, बैसाख महीने में जितने भी जलाशय होते हैं, उसमें सभी देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। हर हर महादेव।